रामगढ़ के चुनावी रण का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ तमाम सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है और एक के बाद एक चुनावी मैदान में उतरने वाले योद्धाओं की घोषणा भी की जा रही है। एनडीए के बाद अब प्रदेश में सत्ताधारी महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने अपना नामांकन भरा। इसी के साथ रामगढ़ के रण की तस्वीर कमोबेश हाफ हो गई। सत्ताधारी दल की तरफ से जहां कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो अपना दम दिखाने को तैयार हैं, तो वहीं एनडीए की तरफ से आज सुप्रत्याशी सुनीता चौधरी पहले ही ताल ठोक चुकी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ने कहा कि मैं सबसे पहले राष्ट्रीय बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक गरीब का गांव का बेटा को टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने। सबसे पहले मैं अपने यशस्वी जो हमारे अग्रणी नेता राहुल गांधी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि उन्होंने इस पर अपने विश्वास रखा और खास करके यहाँ सी लीडर साहब है, प्रदेश प्रभारी हमारे अविनाश पांडे जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर, जितने भी लीडर हैं सब उनको धन्यवाद चाहूँ। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद रामगढ़ का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। इस बीच सवाल ये है कि इस उपचुनाव में हेमंत सरकार के काम पर मुहर लगेगी या आज उम्मीदवार की मजबूत घेराबंदी से मुकाबला नया मोड़ लेगी। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अब तक सूखे में 4 विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, दुमका, मधुपुर, बेरमो और मांडा। इन सभी चुनावों में बाजी सत्ता पक्ष ने मारी थी। ऐसे में इस बार विपक्षी तैयारियां जोरों पर हैं क्योंकि विपक्ष पहले चुनावों के नतीजों को दोहराना नहीं चाहता। यही वजह है कि चुनाव से पहले सुदेश महतो हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि रामगढ़ के जनगण के साथ मिलकर, और हम ये भी मानते हैं कि ये चुनाव मात्र रामगढ़ का नहीं, रामगढ़ के माध्यम से पूरे प्रदेश का ये चुनाव होगा और पूरे प्रदेश की वर्तमान भावनाओं पर रामगढ़ के जनमानस के साथ मिलकर इस सरकार को वोट के माध्यम से जवाब देने का आह्वान हम लोग करेंगे और कार्यक्रम आगे चलाएंगे। भले इस उपचुनाव में आसू सरकार की खामियों को मुद्दा बना रही हो, लेकिन झारखंड कांग्रेस प्रभारी का मानना है कि बजरंग महतो के तौर पर एक अच्छे उम्मीदवार को चुना गया है जो जनता के विकास के लिए काम करेंगे। कांग्रेस प्रभारी ने चुनाव में जीत का दावा भी किया। वहीं दूसरी ओर जेएमएम विपक्ष पर हमलावर है। पार्टी बीजेपी को पिछले चुनाव में हुई हार गिनाने में जुटी हुई है। सरकारें आई लेकिन की इस गठबंधन ने हिम्मत कर पूरे दृढ़ता समय इस नियुक्ति को पारित किया और आगे बढ़ाया। उसमें निश्चित उपचुनियाँ रह गई हैं, जिसके हुए यहाँ के लोगों का हमारे छापा भंग हुआ है, इस भावना का मैं पूरा मानता हूँ। लेकिन इसको गौर करिए, यहाँ वो भी समझते हैं कि नियत से नियुक्ति बनाई गई है, वो बहुत ही ईमानदारी की और उस ईमानदारी के साथ में उस वही जो कुछ भी कमी उन कमियों को पूरा करेंगे, उसे दूर नियोजन नीति को लागू करेंगे ताकि आने वाले समय युवकों को और स्थानीय को फायदा मिले। कि झारखंड की जमीन सिर्फ शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। किसी गुजराती गिरोह के इशारे पर जो लोग राजनीति करते हैं उनके लिए झारखंड की जमीन नहीं। रामगढ़ के उपचुनाव पर सियासी दिग्गजों की नजर इसलिए भी है क्योंकि इस उपचुनाव को 2024 से पहले का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। लिहाजा सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन वार पलटवार के बीच चुनावी युद्ध में किसका बेड़ा पार होता है ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। रांची से कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।